पीलीभीत में वन महोत्सव के अंतर्गत बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान द्वारा अपनी विधानसभा पूरनपुर के क्षेत्र के ग्राम घूम चिहाई में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उनके द्वारा 100 वृक्ष लगाए गए और साथ ही पौधारोपण करने के लिए जनता को भी जागरूक किया। और साथ ही बीजेपी विधायक द्वारा बताया गया कि पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्ष लगाना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें पूरनपुर सामाजिक वानिकी के रेंजर सहित वन विभाग का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा और नवनियुक्त ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे। रवि, जो आप द्वारा ये पौधा रोपण किया गया है और ये जनता तक आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इससे पौधारोपण पूरे है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव के अंतर्गत सभी पूरे भारत में चल रहा है और ये पर्यावरण के लिए पेड़ बहुत जरूरी है, क्योंकि पेड़ ही जीवन है। ऐसा तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हर जगह पौधा, और जिसके कारण ये पर्यावरण जो दूषित हो रहा था उसको, और जलवायु के लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है, जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारा सबका प्रयास है कि पेड़ लगें और पेड़ों को हर व्यक्ति एक एक पेड़, दो दो पेड़ लगाए, ये मेरी अपील है जनता से। अब तक कितना करोड़ रुपया हुआ? ये तो आप गिनती करें तो 25-25 करोड़ एक दिन में, पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाए थे तो एक दिन में लगे थे। तो पेड़ों की संख्या तो असंख्य है, जितनी लगाई गई उसकी मैं गणना क्या बताऊं, बहुत पेड़ लगाई है।